सभी किसान भाई को मेरा नमस्कार आज हम बात करेंगे धान की फसलों में सब्जी वर्गी फसलों में फल वर्गी फसलों में लगने वाले फंगस को कैसे कंट्रोल किया जाए जिससे हमारे किसान भाई सही उत्पादन प्राप्त कर सके अभी कुछ महीने पहले ही अडमन कंपनी ने एक नया फंगिसाइट लॉन्च किया है जिसका नाम है मास्टर काफ फंगसाइट है मास्टर काफ कौन कौन से फंगस को कंट्रोल करता है इसका प्रति एकड़ डोज क्या है इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में यानी ये कार्य कैसे करता है इसका उपयोग हम मुख्यतः कौन कौन सी फसलों पर कर सकते हैं एवं और भी जानेंगे महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसान भाई अगर आप विजेज एग्रीकल्चर पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें अगर आपने पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टेक्निकल कंटेंट के बारे में तो इसमें एक ही प्रकार का टेक्निकल शामिल है वो है कापर सल्फेट पेंटाहाइड्रेट तेईस परसेंट निन्यानवे परसेंट एस सी फार्मुलेशन में आता है एस सी यानी सस्पेंशन कंसेंट्रेट यानी लिक्विड गाढ़े फार्म में आता है यह घुलने में बहुत ही आसान है इसके बाद हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ एक्शन के बारे में यानी यह कार्य कैसे करता है तो मास्टर कप एक व्यापक स्पेक्ट्रम साइड है जो कवक और बैक्टीरिया को नियंत्रण करता है अदामा का मास्टर कप कवकनाशी विभिन्न प्रकार के कवक रोगों के ख़िलाफ़ व्यापक स्पेक्ट्रम नियंत्रण प्रदान करता है साथ ही कवकनाशी फंगल रोगजनकों को प्रभावी ढंग से लक्षित और समाप्त करता है उनके प्रसार को रोकता है और फसलों को होने वाले नुकसान से बचाता है इसके उपयोग में आने वाली फसलों के बारे में अगर बात करें तो धान गेहूँ सोयाबीन सभी तरह की सब्ज़ी फसलें फल वर्गीय फसलों पर हम इसका अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं मास्टर का फंगेसाइट से कंट्रोल होने वाले फंगस जैसे ब्लाइट, कोणी पत्ती धब्बा एंथ्रोकनोस, काफी वेरी रोग कापी पत्ती का दर रतुआ डाउनी मिल्ड्यू अगेती झुलसा हेलो झुलसा पछेती झुलसा रतवा राट जैसे फंगस को यह अच्छे से कंट्रोल करता है इसके डोज के बारे में अगर बात करें तो 400 सौ प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका छिड़काव कर सकते हैं 40 एम प्रति 15 लीटर पानी में मिक्स करके यानी प्रति पंप के हिसाब से भी हम इसका अच्छे से छिड़काव कर सकते हैं किसान भाई अगर आपको मास्टर काफ़ फंगसाइड के बारे में अगर जानकारी सही लगी हो तो प्लीज़ लाइक एवं सब्सक्राइब ज़रूर करें